अरे किसका ही है, थोड़ा सा तार आ रहा है। माइक नहीं है। पूर्व मंत्री श्री अवध बिहारी चौधरी की अध्यक्षता में हुई, विशेष रूप से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी और हम लोगों की नेता पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी भी उस बैठक में उपस्थित थी। बैठक में विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय जनता दल लोकसभा में राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार के चयन के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी को अधिकृत किया गया, पहला यह प्रस्ताव। दूसरा प्रस्ताव यह हुआ कि समान विचारधारा की पार्टियों के साथ तालमेल करने और लोकसभा के चुनाव में सीट एडजस्टमेंट के लिए भी इस बैठक ने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव को अधिकृत किया क्या। और तीसरा यह कि चूंकि यह राज्य संसदीय बोर्ड की बैठक थी तो इस प्रस्ताव को विचार विमर्श करने के लिए केंद्रीय संसदीय बोर्ड में भेजने का निर्णय लिया गया और उसके बाद आज फिर से केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक होगी। साथ ही साथ एक प्रस्ताव हमारे जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं माननीय सांसद श्री मनोज झा जी ने रखा कि साहब जो पुलवामा पर जो आतंकियों का हमला हुआ और हमारे लोग शहीद हुए, राष्ट्रीय जनता दल न सिर्फ शोक संवेदना व्यक्त करता है बल्कि हम लोग जो होली है उस होली को ही से संवेदना के तहत वो होली को मनाने का काम राष्ट्रीय जनता दल का नीचे से लेकर इधर से नहीं, इधर से नहीं, राष्ट्रीय जनता दल कौन है त्यौहार नहीं मनाया, कौन है निर्णय हुआ है अभी। और हमारे अध्यक्ष हैं अवध बिहारी चौधरी जी ने जो कहा मीटिंग में कि साहब हम लोगों को राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोगों के सॉवरेन लीडर रहे हैं और रहेंगे, उनके द्वारा जो भी कैंडिडेट चयनित होगा महागठबंधन का हो चाहे राष्ट्रीय जनता दल का, हम लोग पूरी ताकत के साथ जी जान से हम लोग उनको जिताने का काम करेंगे। और बिहार में जो परिस्थिति है, जो हवा है, उसे लगता है कि 400 सीट पर महागठबंधन का कब्जा होगा, आरएसएस भाजपा का अत्ता पत्ता जाएगा। यही हमारे संसदीय दल के जो अध्यक्ष हैं श्री अवध बिहारी चौधरी ने हम लोगों के बीच में यह कहा और हम लोगों ने उनके साथ अपना एकजुटता प्रदर्शित किया। थैंक यू, धन्यवाद। स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य मैं राज्य संसदीय बोर्ड के तरफ से आप लोगों का अभिनंदन, आप लोगों का स्वागत। राज्य संसदीय बोर्ड ने जो प्रस्ताव पारित किया है उस प्रस्ताव के तहत हम तमाम लोग जो उम्मीदवार हम लोगों के सामने आएंगे मुस्तैदी के साथ काफ़ी तत्परता के साथ हम चुनाव में लगेंगे और महागठबंधन के जो एक होंगे मुझे ऐसा भरोसा है। आज के दिन में हम लोगों के आदरणीय नेता साजिश के तहत, विरोधियों के साजिश के तहत जेल में बंद है, वैसे परिस्थिति में एकजुट होकर के जो भी उनके द्वारा प्रत्याशी उसको बुला करके हम अपने पार्टी के मजबूती के लिए राबड़ी देवी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।